तो गाइस आज हम आपको लेके आ चुके हैं साउथ इंडिया की मोस्ट सेलिंग मोस्ट फेमस बिरयानी की जगह पे, जो कि है केबीसी बिरयानी। यहाँ पे मिनिमम टू मिनिमम 200 से 300 किलो बिरयानी डेली बनाई जाती है। सबसे पहले यहाँ पे जो मसाला है वो बनेगा, उसके लिए उन्होंने प्याज काटने के लिए एक मशीन रखी हुई है, तो इस मशीन में प्याज जाता है और यहाँ से कट के आता है बाहर। तो नेक्स्ट है उसमें अब धनिया ऐड किया जा रहा है, कोरिएंडर। तो प्याज के बाद अब बारी है टमाटर को पीसने की। यहाँ पे जो है मसाला कच्चा तैयार किया जाता है, फिर ये जो बिरयानी है उसके अंदर मिक्स किया जाएगा। और यहाँ पे साथ साथ में हरी मिर्चें भी पीसी जा रही है, ग्रीन चिलीज। ए जीरा जीरा ए गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, धनिया पाउडर ओके। ये पत्र वाले नमक है, ये अदरक का लहसुन, अदरक लहसुन, ग्रीन चिलीज, और अब लास्ट में जाएगा टमाटर। ये मसाला कितना केजी है? 400 केजी मसाला है। और अब इसमें आएगा नींबू का रस, और लास्ट में जी अब इसमें आएगा ढेर सारा दही कर्ड। वाओ, तो अब इसको किया जाएगा मिक्स अच्छे तरीके से। सो खर्ची से मिक्स करने के बाद इसको हाथ से भी दोबारा मिक्स किया जाता है, ताकि कोई मसाले का लंप ना बने और अच्छी तरह सारा मसाला प्याज के साथ मिक्स किया जाए। रोज वाटर, इसमें रोज वाटर डाला जाएगा इसेंस के लिए। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है अभी से। और जब चालू हो चुकी है चावल पकने की प्रेपरेशन, तो यहाँ पे इन्होंने पूरा राइस के लिए उसमें दालचीनी, लौंग, इलायची सब कुछ डाल दिया है। तो राइस अलग पका जाएंगे पहले और मसाला अलग पकाया जाएगा। तो हम इनकी सेकंड जगह पे आ चुके हैं। यहाँ पे क्या रहता है कि दो बड़े बड़े पतीले में चावल अलग से पकाए जाते हैं, इसमें ऑयल है, खड़े मसाले हैं सारे, सॉल्ट आ गया, नमक। और यहाँ पे अभी ऊपर की टॉपिंग के लिए फ्राइड अनियन और ड्राई फ्रूट्स को मिक्स किया जा रहा है। ये बिल्कुल टॉप पे जाएगा जब बिरयानी ऑलमोस्ट रेडी हो जाने लगी होगी। गर्म मसाला ये सबसे ऊपर जाएगा ना बिरयानी, जब ऊपर भी नीचे भी, नीचे भी जाएगा, बरिस्ता में भी ऐड किया जाएगा, फ्राइड अनियंस में भी। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया खुशबू अभी से आ रही है, तो बिरयानी बनी भी नहीं है। जो नेक्स्ट पेज जो रहता है यहाँ पे, अब चिकन साफ किया जाएगा। तो चिकन में जो है मसाला मिक्स किया जा रहा है। ये कितना केजी चिकन है? ये 15 किलो है। 15 किलो, तो ऐसा कितना हांडी बनता है सर? ऐसा बहुत हांडी है ना, तो ऐसा 5-6 हांडी बनता है। सब यहाँ पे हाफ कुक्ड राइस डाला जा रहा है सब हांडियों के अंदर वन बाय वन, और उसके बाद इसको इसी हांडी इन्हीं हांडियों में 2-2 घंटे के लिए छोड़ दिया जाएगा, ताकि एकदम बढ़िया फ्लेवर चावल और मीट का अच्छी तरह से मिल जाए। तो यहाँ पे ओनर्स ने बताया कि एकदम मालाबारी स्टाइल है इसको बनाने का। और एक चीज़ आपको और दिखाते हैं कि गैस का यूज़ नहीं होगा यहाँ पे, नीचे कोकोनट शेल का यूज़ किया जाएगा, एकदम ऑथेंटिक वे जो रहता है ना। और ये हमने बरिस्ता का मिक्स था वो डाला जाएगा, ड्राई फ्रूट्स, फ्राइड अनियंस एंड करी पत्ता। इसमें जो मालाबारी स्टाइल बिरयानी है तो उसका चावल छोटा रहता है ना, थोड़ा छोटा सा। तो एक और लेयर है राइस के ऊपर से, उसको अच्छी तरह से एकदम इवन उसमें लाद दिया जाएगा, इवन लेयर में, ये देखो। और ऊपर से दोबारा से फ्राइड अनियंस और ड्राई फ्रूट्स, और अब दोबारा से थर्ड लेयर राइस की, और अब लास्ट लेयर ऊपर से फ्राइड अनियंस की दोबारा से, और अब इसको ऊपर से ढक दिया जाएगा और सीधा अब 2 घंटे बाद खोला जाएगा। तो
बिरयानी अब ढक दी गई है और अब इसको सीधा 2 घंटे बाद खोला जाएगा। तो फाइनली हमारी बिरयानी अब यहाँ पे रेडी हो चुकी है, चिकन बिरयानी मालाबार स्टाइल, और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, मतलब बिल्कुल यूनिक स्टाइल की आपने मेकिंग देखी है इसकी, बहुत ही बढ़िया तरीके से निकालो। Thank you.